उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार को वृंदावन पहुंचे। यहां पहुंचने पर सबसे पहले उन्होंने वृंदावन और बांके बिहारी जी के दर्शन किए। इसके बाद भागवत कथा में भाग लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जोरदार स्वागत भी किया। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज हेलीकॉप्टर से अक्षय पात्र पहुंचे। यहां उतरते ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बांके बिहारी के दर्शन के लिए गए और वृंदावन में चल रही भागवत कथा में शिरकत की और महाराज जी का आशीर्वाद लिया। वहीं इस दौरान कानून व्यवस्था पर बताया कि हैदराबाद की घटना दर्दनाक घटना है, इस पर हमारी सरकार कठोर से कठोर कार्यवाही करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जागरूकता की भी आवश्यकता है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं, अभी कुछ कार्य रह गए हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्र की सरकार जनता के लिए किए गए वादों को पूरा कर रही है। इसे बहुत प्रेम है, बहुत श्रद्धा है, कुछ भक्त के ऊपर ऐसा मैं मानता हूँ और आज आकर के बहुत आनंदित हूँ। आज यहाँ पर भक्ति वेदांत जो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन पूज्य डॉक्टर राम कमल दास वेदांती जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है, उसका भी मैं हिस्सा बनूंगा। कुछ पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता, फिर विभागीय बैठक में यहाँ के विकास कार्यों की समीक्षा करें। मंत्री जी, आप उससे कहते हैं कि मंदिर के दर्शन करने आए, लेकिन जनता रो रही है, प्याज आंसू निकाल रही है, ये जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए सरकार, केंद्र सरकार के स्तर पर, प्रदेश सरकार के स्तर पर जो किया जा सकता है वो सब किया जा रहा है और किया जाएगा। जनता की समस्या ही सरकार की समस्या है और सरकार की जिम्मेदारी जनता की समस्याओं को दूर करना है, वो हमारी सरकार लगातार कर रही है। और बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना है कि सब अच्छा से अच्छा हम करने में सफल हो सके, इसका आशीर्वाद। मंत्री, आपने एक साल पहले एलिवेटेड रोड का वो घोषणा की थी, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। स्वीकृति की प्रक्रिया हो गई है, ये ऐसे नहीं होता कि चुटकी बजाए ऐसे होता है। उसका एक कि नगरी को मैं बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनके चरणों की कृपा मांगते हुए ऐसी इच्छा है कि जिस प्रकार से इस नगर में सब कुछ अच्छा है, वैसे यहाँ सड़कें भी अच्छी हों और विकास के अधिकार भी बहुत अच्छे हों, ये हमारा प्रयास। मंत्री जी, महिलाओं के अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, क्या कहेंगे? जो अपराध करेंगे उनको बख्शेंगे नहीं। अपराध कहीं पर भी होते हैं वह दुखदायी हैं, ऐसी घटनाएँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन समाज में नैतिकता का बहुत जागरण करने की, बहुत नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है, उस दिशा में भी काम करेंगे। और जो इस प्रकार का अपराध कर जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं, इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।